शरजील खान की पाकिस्तानी टीम में वापसी होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आशर एक और नई वीडियो के साथ। हमारी वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर करें। नई शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकार में जिंदाबाद जरूर कमेंट करें। लाहौर PSL स्पॉट फिक्सिंग केस में सजा याफ्ता क्रिकेटर शरजील खान की सजा 10 अगस्त को खत्म हो गई। तर्जमान PCB के मुताबिक सजा मुकम्मल होने पर शरजील खान को रिहैब प्रोग्राम मुकम्मल करना होगा, जिसके लिए क्रिकेटर की तरफ से ताहाल कोई रब्ता नहीं किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान ने कहा कि रिहैब मुकम्मल होने पर शरजील खान को क्रिकेट खेलने की इजाजत होगी। दूसरी जानिब क्रिकेटर शरजील खान के वकील शेगान अयाज ने बताया कि रिहैब प्रोग्राम के लिए जल्द PCB से रब्ता करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पॉट फिक्सिंग केस में क्रिकेटर शरजील खान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 5 शकों के खिलाफ वर्जी का इल्जाम था, जिसके बाद इन पर 5 साल की पाबंदी आयद की गई थी। और अब जो है शरजील खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर दोस्तों ये है कि स्पॉट फिक्सिंग केस में सजा याफ्ता शरजील खान की सजा जो है वो 10 अगस्त को खत्म होगी और वो अपनी सजा खत्म होने पर यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे। इसके हवाले से ताहम PCB के हुकाम का कहना है कि शरजील खान का इनसे कोई रब्ता नहीं किया गया। तो यकीनन दोस्तों ये एक बहुत अच्छी खबर है कि शरजील खान की इंशाल्लाह जल्द ही टीम में वापसी होगी। और दोस्तों, अगर आप शरजील खान के फैन हैं तो इस वीडियो को जरा से जरा लाइक करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। इसी के साथ मोहम्मद आशर को इजाजत दें, आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक को जिंदाबाद, ISI के गुमनाम भी उसको सलाम।